आज़ादी के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले क्रांतिकारी भगत सिंह का आज यानी 28 सितंबर को जन्मदिन है। 1907 में जन्मे भगत सिंह को जिंदा दिली के साथ याद किया जाता है। सिख परिवार में जन्मे क्रांतिकारी को आज़ादी की लड़ाई के लिए अपना अहम योगदान दिया और फांसी के फंदे पर झूलकर अपने प्राण वार दिए। आज भी कई गलियारों में भगत सिंह की यादें घूमती हुई नजर आती हैं, जो युवाओं को प्रेरित करने के साथ साथ प्रेरणा भी देती हैं। भगत सिंह का जन्म होने पर उनके पिता और चाचा जेल से रिहा होकर घर वापस आए थे। आपको बता दें कि भगत सिंह के पूरे परिवार में देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। उनके पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह दोनों ही स्वतंत्रता सेनानी थे। जब भगत सिंह के पिता और चाचा घर आए तो दादी जय कौर ने कहा, ए मुंडा बड़ा ही भाग वाला है। तभी निर्णय लिया गया कि इस बच्चे का नाम भाग या इससे मिलता जुलता रखेंगे। परिवार में सहमति के बाद इस बच्चे का नाम भगत सिंह रखा गया। इसी भगत सिंह ने मात्र 23 साल की जिंदगी जीकर एक स्वर्णिम इतिहास लिख दिया। भगत सिंह ने अपने जीवन में जेल में रहते पढ़ाई के समय में कई लेख लिखे, साथ ही चिट्ठियां भी लिखी। वो अपने परिवार के किसी सदस्य आंदोलनकारी के लिए नहीं। भगत सिंह की शुरुआती पढ़ाई तो गांव में हुई, लेकिन चौथी क्लास के बाद वो लाहौर आ गए। लाहौर से ही उन्होंने अपने दादा के लिए खत लिखा था। भगत सिंह के ये नारे सुन आप में देशभक्ति के लिए जज्बा जागने लगेगा। हम आपको शहीद भगत सिंह के कुछ नारे बताते हैं। बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते, क्रांति की तलवार विचारों की धार बढ़ाने वाले पत्थरों पर रगड़ी जाती है। जरूरी नहीं था कि क्रांति में अभिशप्त संघर्ष शामिल हो, ये बम और पिस्तौल का पंथ नहीं था। मैं एक मानव हूं और जो कुछ भी मानवता को प्रभावित करता है उससे मुझे मतलब है। राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है, मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आज़ाद है। और अपने इन नारों को उन्होंने सच कर दिखाया और इतनी छोटी सी उम्र में अपने देश के लिए एक महान बलिदान देकर हमेशा के लिए अपना नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षर में लिखा कर इस दुनिया से अलविदा कह गए। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।